हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एकता होम फूड्स। फ्रेंड्स, एकता होम फूड्स में आज मैं आपको व्रत में खाई जाने वाली कटोरी चाट बनाना बताऊंगी। साबूदाने की कटोरी चाट, आप ये देख रहे हैं कितनी बढ़िया हमारी कटोरी बनी हुई है। देख रहे हैं पीछे से, देखिए क्या बढ़िया क्रिस्पी है। देखिए अंदर से भी पूरी पक गई है, चारों तरफ से आप देख लीजिए कहीं से भी ये नहीं टूटी। और ये मैंने दूसरी कटोरी बनाई थी, उसकी मैंने चाट बना के तैयार कर ली है, ये देखिए। अब फ्रेंड्स, ये कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी है, ये हमारे वीडियो, इसके लिए आप हमारे वीडियो में पूरे टाइम तक बने रहिएगा। तो आप देखें कितने बढ़िया से आप ये कटोरी चाट बना के तैयार कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं साबूदाने की कटोरी चाट बनाना। देखिए उसके लिए, देखिए फ्रेंड्स, मैंने साबूदाना लिया, इसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था। और देखिए मैंने इसको हाथों से, देख रहे हैं, अच्छे से इसको मैश कर लिया, बिल्कुल अच्छे से हाथों से इसको मैश कर लिया है। अब फ्रेंड्स, इसमें हम ये अपना हमने कद्दूकस करा हुआ आलू मिलाया था। फ्रेंड जितना साबूदाना है उतना ही हम इसमें आलू मिलाएंगे। अब फ्रेंड इसमें हम स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाएंगे, दो हम इसमें हरी लाल मिर्च मिलाएंगे। थोड़ी सी अदरक मिलाएंगे, चॉप करी हुई मिर्च को कटी हुई। और अब हम इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स गलती के लिए सॉरी, जो भी गलत से निकल गया। हम इन सबको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्रेंड थोड़े से फ्रेश कटे धनिया के पत्ते भी मिलाएंगे। और अब सब चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया, इसको हम मीडियम हॉट गर्म करेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने कोई कटोरी चाट बना रहे हैं तो ये कटोरी ली है मैंने, इसको देखिए मेरा हाथ स्लिप कर रहा है, इसको हमने पीछे से ऑयल से ग्रीस कर दिया है अच्छे से। अब फ्रेंड इस पर हमको ऐसे करके इसको अच्छे से, इसको ऐसे कटोरी का शेप जो हमने साबूदाने और आलू का मटेरियल बनाया है, इस पर हमको अच्छे से इसको लगाना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाना है। फ्रेंड ये देखिए, हमने कटोरी में देखिए अच्छे से ऐसे इसको सेट कर दिया, आप देख सकते हो, खूब ऊपर से चिकना कर दीजिएगा। अब फ्रेंड देखिए, उस कटोरी को हमने मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं रखना, हमने कढ़ाई में जो हमारा ऑयल गर्म हो तो उसमें डाल दिया है। एक बार में फ्रेंड्स एक ही कटोरी हम कढ़ाई में डालेंगे और फ्रेंड उसमें थोड़ा अंदर भी तेल डाल देंगे हम इसमें कटोरी में, जिससे जो अंदर से भी हमारी कटोरी खूब अच्छे से पक जाए। और फ्रेंड्स अब हम इसको अंदर भी डाल देंगे हम गर्म ऑयल, जिससे हमारी कटोरी खूब अच्छे से पक जाए। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। जब तक, जब ये फ्रेंड 70 या 75% कटोरी पक जाएगी, तब ये अपने आप ही जो मटेरियल है, जो कटोरी है, वो कटोरी को, साबूदाने की कटोरी, स्टील की कटोरी को छोड़ देगी। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए जब ये हमारा इस स्टेज तक पक जाएगा तो हमको ऐसे ऐसे इसमें ऑयल डालना है। और देखिएगा धीरे से कटोरी अपने से छूट जाएगी। अभी आप देखिएगा धीरे से ये कटोरी अपने से इसमें से छूट जाएगी। फ्रेंड देखिए कितने अच्छे से हमारी कटोरी, ये देखिए, छूट गई है। अब इसके अंदर का ऑयल, अंदर भी थोड़ा सा पका के, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने अंदर भी पका के हल्का सा, हम इसको किसी छलनी पे या किसी भी छन्नी में या किसी भी चीज़ के इसको पलट के रख देंगे, जिसका है, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये देखिए मैं आपको पलट के दिखाऊंगी कितनी बढ़िया क्रिस्पी हमारी ये बनी है कटोरी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटोरी जो है अंदर से भी पक गई है। अब हम इसको देखिए ऐसे इसके पलट के रख देंगे। ये देखिए अब क्या बढ़िया हमारी पीछे से भी क्रिस्पी बनी है, जिससे इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बढ़िया सी कटोरी, देख रहे हैं सारा ऑयल इसका निकल गया। देख रहे हैं क्या बढ़िया हमारी कटोरी बनी है, ये देखिए क्या बढ़िया हमारी कटोरी बनी है, देख सकते हैं आप। अब फ्रेंड देखिए, अब बिल्कुल ठंडी हो गई हमारी कटोरी, अब देख रहे हैं क्या बढ़िया लग रही है। अब फ्रेंड्स हमको इसमें थोड़े उबले आलू हमने काट के रखे हैं, ये हम डालेंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसमें फ्रेंड्स ये हमने व्रत वाली खट्टी चटनी बनाई है, ये हम इसमें डालेंगे। धनिया की चटनी बनाई है, इसका लिंक
अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। ये हमने फ्रेंड्स इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई है, ये हम इसमें डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। फ्रेंड मीठी चटनी डालने के बाद दही, अगर आप दही खाते हैं तो स्वाद के अनुसार इसमें आप दही डालिए। अब इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, जीरा खाते हैं तो फ्रेंड्स जीरा पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स स्वाद के अनुसार। ये फ्रेंड्स मैंने आलू के लच्छे लिए हैं, आप चाहें तो बाजार से भी ले सकते हैं, मैंने ये घर में बनाए हैं आलू के लच्छे। थोड़ी सी कटी हुई अदरक अगर आपको पसंद है तो, और फ्रेंड्स थोड़े से लास्टली फ्रेश धने, फ्रेश कटे धनिया के पत्ते। फ्रेंड्स आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा, मेरी थोड़ी सी जवान बोल जा रही, फ्रेश कटे धनिया के पत्ते। और फ्रेंड्स अगर आप अनार आपको पसंद है तो थोड़े, देखिए ये गार्निशिंग के लिए अनार के दाने हमने डाल दिए हैं। फ्रेंड्स आपकी टेस्टी कटोरी चाट व्रत में खाने वाली बनके तैयार है। फ्रेंड्स आप इस तरह से व्रत में ये साबूदाना की कटोरी चाट बना के खाइए और इसका लुत्फ उठाइए। फ्रेंड्स तो देखा फ्रेंड्स कितने बढ़िया तरीके से हमने ये व्रत में खाई जाने वाली साबूदाना की कटोरी चाट बना के तैयार कर दी। फ्रेंड्स हर बार की तरह वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और फ्रेंड्स एक बार इस तरह कटोरी चाट को जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय, हैप्पी नवरात्रि।